दर्पण नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रातः दर्पण में। मैं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। दर्शकों, नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड होने के बावजूद भी टीवी के कार्यक्रम को सबसे बेहतर बना के रखा गया। इसके लिए जनपद का क्षय रोग विभाग प्रशंसक पात्र है। प्रमुख सचिव ने हाल ही में संपन्न हुए सक्रिय क्षय रोगी खोज अभियान टीवी हारेगा देश जीतेगा की सराहना की। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान करीब 14,000 नए टीवी रोगियों को खोजा गया, यह अच्छी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि टीवी के रोगियों को खोजकर जल्दी से जल्दी इनका इलाज शुरू करने से ही टीवी को रोका जा सकता है। इसके लिए सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों और क्लिनिक में भी टीवी के मरीजों की खोज हो। प्रमुख सचिव ने कहा कि सभी जिलों में प्राइवेट और सरकारी ओपीडी और क्लिनिक के चिकित्सकों से कहा जाए कि वे अपने यहां आने वाले मरीजों में टीवी के मरीजों को भी नोटिफाई करें। ऐसा करने के बाद जिला क्षय रोग अधिकारी को इसके बारे में सूचित करें। टीवी के खात्मे के लिए सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर काम करें। क्षय अनुमूलन कार्यक्रम का कार्य धीमा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही क्षय रोग से पीड़ित बच्चों को गोद लेना चाहिए। बैठक में राज्य क्षय रोग कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर संतोष गुप्ता ने जिलावार उपलब्धि की प्रस्तुति दी। बैठक में 21 जिलों के क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र भट्टागर, आनंद तिवारी स्टेट ACSM अधिकारी, जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर UB सिंह आदि उपस्थित रहे।